14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी, यानी कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, और उस फायरिंग इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने। 1998 में हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, इस टाइप का इल्जाम उनके ऊपर लगा हुआ है, और उसी के बाद से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग उनको टारगेट कर रही है। और फायरिंग इंसिडेंट से रिलेटेड अभी सलमान खान और उनके ब्रदर्स से पूछताछ हुई थी। उस टाइम तो सलमान खान ने कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन इस टाइम सलमान खान ने बहुत सारी चीज़ें रिवील किया। सलमान खान ने बताया कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं पहले ही कोर्ट से सजा पा चुका हूँ। वहीं सलमान खान से 3 घंटे की पूछताछ हुई थी और अरबाज खान और सोहेल खान से 2 घंटे की पूछताछ हुई थी, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे। सलमान खान ने यह भी बयान दिया कि जब इंसिडेंट हुआ था तब मैं आफ्टर पार्टी करके लेट ही सोया था, और उसके बाद मैं गोलियों की आवाज़ से उठा, और उठने के बाद मैं बालकनी में गया देखने के लिए, तब वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात हुई कि सलमान खान जब बाहर गए तब वो जो गनमैन थे जिन्होंने फायरिंग की थी वो वहाँ से जा चुके थे। सपोज करो कि अगर सलमान खान को देखे वो वापस से फायरिंग करते तो बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो जाता। सलमान खान ने बयान में ये भी बताया कि ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। वहीं अरबाज खान ने बताया कि मुझे पता था कि भाई को पहले भी धमकियां मिल चुकी है और मैं इसके बारे में जानता था, और मैं उस टाइम मेरे घर पर ही मौजूद था जब ये इंसिडेंट हुआ था, और उस टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ था तब सलमान खान के फादर सलीम खान भी घर पर मौजूद थे, लेकिन उनकी उम्र के चलते उनसे इस टाइम पूछताछ नहीं की गई। आज की डेट में उनकी एज 88 ईयर्स, और सलमान खान को इंडस्ट्री का भाईजान कहा जाता है क्योंकि वो सबके लिए सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और उसी से चलते जब आज बेबी का ध्रुव नजर आई थी तब उनसे पूछा गया कि मैम आपका क्या रिएक्शन है सलमान खान के ऊपर, कि सलमान खान कह रहे कि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मुझे पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, तब बेबी का ध्रुव ने सलमान खान के लिए क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। ऑफ कोर्स सबको अपना पीस ऑफ माइंड, सिक्योरिटी और एक सेंस ऑफ यू नो फैमिली एटमॉस्फेयर चाहिए था, वो काम के बाद घर आए तो पीसफुली रह सके। इट्स रियली हार्ड रेंचिंग, दे शुड जस्ट लेट हिम बी, एंड जो भी पर्सनल उनके ग्रजेस है दे शुड लेट द लॉ एंड ऑर्डर हैंडल थिंग्स, दे शुड नॉट टारगेट हिम लाइक दैट। सबको सुख खुद की नींद चाहिए, एंड सलमान सर इज रियली वन ऑफ दी लेजेंडरी एक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, को लाइक अभी तो एक एक्टर फॉर द सेंचुरी बोल दूंगी मैं। वहीं दूसरी एंड में देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग सिर्फ ये चाह रही है कि सलमान खान हमारे जो मंदिर है उसमें आकर के माफ़ी मांग ले तो हम उनको जाने देंगे। तो आपकी क्या राय है इस इंसिडेंट के बारे में कमेंट्स करके जरूर बताना।